जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, शंकरा डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करांगे भाई, पहले तो इंडियन आर्मी जो अग्निवीर का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितने बच्चे बैठे थे और कितने बच्चे पास हुए और वैकेंसियाँ कितनी हैं। लगभग पूरा फिक्स तो डेट नहीं देती, ना तो पूरी क्लियर वैकेंसी बताती इंडियन आर्मी, ना साइट पर आता ना कोई वैकेंसी बताती। पहले वाली भर्तियों से अनुमान लगाते हैं भाई टोटल, जैसे पीछे 83 ARO ZRO थे, 40,000 वैकेंसियाँ थी, तो लगा रहे थे 300-400 और BRO ZRO से बच्चे भर्ती होंगे, ऐसे अब की बार अंदाज़ा लगाया जा रहा है। बट अब की बार वैकेंसी थोड़ी कम है, कम इसलिए है पहले बोला गया था कि 25,000 अग्निवीर लिए जाएंगे, बट अभी थोड़ी ही बढ़ाने की संभावना है, हो सकता है 35-40 के बीच में हो जाए। तो लगभग भाई 71-72 ARO का एग्ज़ाम हुआ भाई अग्निवीर, और एक की आप स्ट्रेंथ लगाओ 6,000, तो तकरीबन 4-5 लाख अग्निवीर भाइयों का रिजल्ट क्लियर हुआ है। इसमें पासिंग मार्क्स दिए गए भाई, अभी बच्चे सोच रहे हैं भाई मैं तो 25 करके आया था तो भी ठीक हो गया, मेरा नंबर आ रहा है। और आज हकीकत में एक कमेंट आया था मेरे पास, मैंने सुबह वीडियो बनाई थी कि भाई जी अपने अपने कमेंट लिखना जिसका सिलेक्शन हो रहा है, तो एक बच्चे ने बताया था कि सर मेरे 25 से कम क्वेश्चन ठीक थे और सिलेक्शन हो रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा इसको, जिस भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ भाई वो गलत करके आ रहा होगा, जो 30+ क्वेश्चन करके आ रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो गलत कर पाऊंगा भाई। तो साथियों, अभी आपके पास बहुत बढ़िया मौका है, मौका इस चीज़ का है 7 स्टूडेंट में से एक भर्ती होना है, 7 में से एक होना है, तो अभी आप अंदाज़ा लगा सको, आपके पास सुनहरा मौका है। वैकेंसियाँ हर BRO ZRO में तकरीबन सेम पिछली ही 350 से ज़्यादा मैं तो नहीं मानता कहीं होगी, क्योंकि हर्बर का यही रेशो रहा है भाई। बाकी यहाँ पे तो यही चाहूँगे परमात्मा थे 1,000-1,500 हर ARO ZRO में भर्ती होए और सारे भाई अग्निवीर बन जाए, भारत माता की सेवा कराए। तो कंपटीशन बहुत टफ है भाई, अभी सबसे बड़ी जवाबदारी होगी आपकी, अगर आपने फिजिकल क्लियर करना है, क्लियर नहीं करना है, टेस्ट तो क्लियर कर लिया आपने बट फिजिकल क्लियर करके अच्छे नंबर लेने हैं। मैं तो ये मानता हूँ जो 88+ जिसके नंबर आओगे उसका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे उसके बिल्कुल 30-35 क्वेश्चन ठीक हो फिर भी नंबर आ जाएगा, आप देख लेना। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि 25-30+ पे लगेगी, वही हुआ। और अभी अब की बार ये बोल रहा हूँ, जिसने 100 का फिजिकल कर दिया बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जो आउट होंगे। तो साथियों, फिजिकल पर ध्यान दो, बढ़िया तैयारी करो, बढ़िया डाइट लो। मेरे चैनल पर शंकरा डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर डाइट की भी वीडियो बनी है और डेली जो वर्कआउट है वो डेली डाला हाँ सुबह शाम, तो वर्क को फॉलो करो। और अभी बता देता हूँ कल का वर्क की है भाई, कल सुबह 8 राउंड वार्मअप के हैं, फिर ABC एक्सरसाइज 15 मिनट, और कल बुधवार ने क्या करांगे यहाँ पे पैडी या फिर इल ट्रेनिंग, आपका कहीं इल ट्रेनिंग हो तो इल ट्रेनिंग करना, नहीं तो पैडी पक्का करना 35 मिनट, बिल्कुल बढ़िया हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। पैडी किस लिए करते हैं हम, थाई और पावर के लिए, और जो कि लास्ट फिनिशिंग में थाई की बहुत अहमियत में नहीं जावा है। तो कल का वर्क है 35 मिनट थाई प्रैक्टिस, पैडी और इल ट्रेनिंग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कूल डाउन एक्सरसाइज, शाम का सेम शेड्यूल करना बच्चों, लॉन्ग रनिंग करना और ज़्यादा से ज़्यादा डिप्स की और सिटअप की पक्का प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको बीम मारने में मददगार होगी ये प्रैक्टिस। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में लेके आऊँगा पूरा डाटा के साथ, कल या परसों भाई कितने अपने श्योर आंकड़े हैं, कितने ARO में कितने बच्चे पास हुए। इतने भाइयों, इस चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो ने दबा के शेयर कर दियो। जय हिंद, वंदे मातरम।